वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, हर आफियत से होंगे। आप सबको पता है गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, स्किन की केयर गर्मियों में कैसे करनी है आपको बताती हूँ। आपने इस टिप को तैयार करना है मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक। यहाँ पर मैंने लिया है दही 2 बड़े चम्मच और इसको अच्छे से फेंट लेना है, और इसमें और इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं 2 अदद जो आपकी स्किन के लिए ज़बरदस्त है। आपकी स्किन को ग्लो देते हैं, एक्नी स्कर्स को ख़त्म करते हैं, गढ़ों के निशानात को ख़त्म करते हैं, काले या डार्क स्पॉट्स मार्क्स होते हैं एक्नी के उनको ख़त्म करता है। दही में आपने 1 बड़ा चम्मच शहद ऐड करना है और 1/2 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। ये आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है। पार्लर की जो महंगी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें केमिकल्स होते हैं क्योंकि वो नेचुरल नहीं होते। तो ये चीज़ें जो हम तैयार करते हैं घर में, होम रेमेडीज़ आपके साथ जो मैं शेयर करती हूँ, छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ और आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। स्किन पर इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और स्किन पर देर बाद इसके असरात रहते हैं क्योंकि फेशियल क्लेंजिंग या स्किन पॉलिश वगैरह जो हम पार्लर से करवाते हैं उसका रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ 1 हफ़्ता रहता है, उसके बाद स्किन फिर से डैमेज होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गर्मियों के मौसम में हफ्ते में 4 दिन आपने इस टिप को इस्तेमाल करना है, फेस पर अप्लाई करना है। 2 से 3 लेयर्स आपने लगानी है। 15-20 मिनट के बाद आपने हल्के हल्के मसाज के साथ इसको वॉश कर लेना है। पहले ही इस्तेमाल के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलता है ज़बरदस्त होता है। तो आपने इसको तैयार करके इस्तेमाल करना है हफ्ते में 4 दिन। जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चियाँ होते हैं वो परेशान होते हैं कि स्किन पर क्या ऐसा लगाएं हमारी स्किन अच्छी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, शाइनी हो जाए, सारे दाग धब्बे साफ हो जाएं। तो आपने इस टिप को लाजमी ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा रिजल्ट मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सन टैनिंग सन बर्निंग के लिए ज़बरदस्त है।